अरे टाइगर 3 रिलीज तो होने के लिए तैयार हो चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुका है। कभी दिवाली की शूटिंग भी चालू होगी, पर हम टाइगर 3 की बात कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं, क्या राज है, क्या नहीं, क्या होने वाला है टाइगर 3 में, क्या कुछ नहीं, जो भी बात है वो भी कंप्लीट कर डालेंगे। तो जो टाइगर 3 की बात है, चलो शुरू करते हैं बिना कुछ कहे। तो मैं आपको बता दूँ, सलार मूवी रिलीज़ हो रही है टाइगर 3 के साथ में। जो रिलीज डेट KGF 2 की थी, वही रिलीज डेट इसकी भी है सलार मूवी की। तो आपको बता दूँ, ये समझो इसका मतलब ये सलमान खान की टाइगर 3 के साथ में भिड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। ये समझे इसका उसका क्लैश हो रहा है, समझे एक हफ्ते का फर्क है बस। एक हफ्ता पहले रिलीज होगी ये कि सलार मूवी, उसके एक हफ्ते के बाद में होगी टाइगर 3 भाईजान की। तो आपको बता दूँ मैं कि आपकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी मूवी बाजी मारेगी, एक तो सलार मारेगी कि टाइगर 3 मारेगी। मैं आपको बता दूँ पहली बार, अभी से कहते टाइगर 3 को एकदम बहुत खतरनाक सीरीज बन चुका है। टाइगर 3 बहुत खतरनाक बजट पर बनी हुई है, बहुत तीसरा पार्ट है ना एकदम धमाका कर दी। ये तो बॉक्स ऑफिस पर मैं तो बोलता एकदम फाड़ देंगी सबों का, थिएटर के अंदर इतना अंगार कर देंगी, सब थिएटर को जला के फेंक देंगी मेरे ख्याल से। इतना खतरनाक मूवी है ये टाइगर 3, क्योंकि इसमें दो जोड़ा है, एक जोड़ी ने दो है, एक है शाहरुख खान के, एक है तुम तो जानते हैं ये साल 5 साल के बाद में लौट रहे, 5-6 साल के बाद में लौट रहे कटरीना कैफ। ये तो लोग देखने ऐसे मिस्टर तड़प रहे हैं, मिस्टर ये मूवी को देखने में तड़प रहे। मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि टाइगर 3 रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके आगे कौन सी भी मूवी डाल दो तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेंगे, एकदम फाड़ी कमाई करेंगे, क्योंकि टाइगर 3 मूवी नाम टाइगर है। तो आप जान सकते हैं कमाई करेंगे, मुझे कमेंट जरूर